वेलकम टू रियल टाइम व्लॉग। और आज हम आए हैं पीकू चीनी वाड़ी मुंबई में वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क का कुंभ। तो मेरा नाम है सकलेन और मेरे साथ है परेश भाई। और आज हमारे पास एक है नया चीज, क्या है ये 360। अब हमारी वीडियो में आपको और मजे मिलने वाले हैं और अच्छी क्वालिटी मिलने वाली और अच्छे व्यू एंगल मिलने वाले हैं, जो के रहेंगे पूरे 360, यानी आप पूरा 360 देख सकते हो, पूरी राइड वगैरह एंजॉय कर सकते हो। तो हम धीरे धीरे अपने चैनल को अपग्रेड कर रहे हैं आपके सपोर्ट से। तो इन्फॉर्मेशन वगैरह हम आपको सारी देने वाले हैं। और हम एक टाइम पे बचपन में यहाँ पर स्कूल की तरफ से आए थे, हम 8-9 साल हो गए हैं मेरे, बहुत साल पहले आए थे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और टिकट की इन्फॉर्मेशन जानते हैं। परवेश, हमने जब एंट्री की थी तब तू टिकट लेने के लिए गया था, तो टिकट का इन्फॉर्मेशन बता दूं। दोस्तों, टिकट लेने के लिए 3 काउंटर है, पहला तो कैश काउंटर, दूसरा ऑनलाइन है और तीसरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। नहीं, तीसरा इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, जिसको टिकट नहीं लेना है वो उस पे जाए। ठीक है, तो 950 रुपीज पर पर्सन टिकट था, जिसमें फूड इंक्लूड था? नहीं, फूड इंक्लूड नहीं है, फूड के लिए अलग चार्ज है। ओके, और लॉकर्स वगैरह का चार्ज? 500 लॉकर चार्ज है, जिसमें आपको 300 रिफंड हो जाएगा, यानी 200 रुपीज चार्ज है। डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉकर बड़ा है। हाँ, लॉकर काफी बड़ा था। यस राइट, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये पीकू चीनी वाड़ी जो है वो छोटे लोगों के लिए लाइक ज्यादा थ्रिल नहीं है, छोटे बच्चे आते हैं स्कूल से, वो लोग के लिए अपना लगेगा थ्रिल है। मेरे ख्याल से अगर आप 5th to 7th class के जो बच्चे आते हैं उन लोग के लिए अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पूरा जंगल एरिया है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा जंगल है, आगे वाटर पार्क वगैरह भी दिया गया है, यहाँ पे खटिया वगैरह भी दिया गया है, आप यहाँ पर आराम कर सकते हो पेड़ के नीचे। यस, यहाँ पे बहुत सारे चीकू के झाड़ है, मैंगो के। तो परवेश, यहाँ पर आना कैसे? दोस्तों, पीकू चीनी वाड़ी आने के लिए आपको थाने रेलवे स्टेशन तक आना होगा, उसके बाद थाने रेलवे स्टेशन से आपको 2 ऑप्शन है, एक तो पहला ऑटो रिक्शा, दूसरा बस। बस का जो चार्ज है 20 रुपीज पर पर्सन है, और अगर आप ऑटो से आते हो तो 40 रुपीज पर पर्सन चार्ज है। तो दोस्त, चलते हैं पहले वाटर पार्क की तरफ, उसके बाद 1-2 बजे हम वापस अम्यूजमेंट पार्क में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से आप सारी राइड्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर है 45 डिग्री वाली राइड और ये 90 डिग्री वाली, और यहाँ पर बॉडी स्लाइड है और ऊपर एक ट्यूब वाली राइड है, और यहाँ पर भी एक स्लाइड है, फिर यहाँ पर एक ट्यूब वाली स्लाइड है। तो परवेश, कौन सी स्लाइड ट्राई करने वाला है? तो यहाँ पर ये ट्यूब वाली राइड है, तो परवेश अभी ट्राई करेगा। और आज यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है, तो शोर शराबा भी बहुत है। तो अभी परवेश रेडी है नेक्स्ट राइड के लिए, पलटी तैयार। अंदर से पूरा गरम गरम हवा आ रहा है, क्या आज धूप बहुत है। सारे राइड
स्लो है क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चे, हाँ बच्चे लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये फोकस किया गया है, बड़े लोगों के लिए मेरे ख्याल से मज़ा नहीं है। इससे अच्छा अपन सूरज वाटर पार्क चले जाए 85 रुपये डालकर। ये दो राइड है 90 और ये 45। तो पहले कौन सा ट्राई करने वाले हो? 90 करेंगे। चलो फिर 90 करो पहले। अब कौन सी बची? ये बॉडी उस पर गर्म तो देख। वाली कैसी लगी दोस्त? बहुत बेकार। बीच में जाके चल के दूसरा भी अपना दोस्त आके बोला कि इतनी बेकार राइड है, फिसलते तो है ही नहीं और अपना 45 डिग्री भी फिसल रहा है, बीच में अटक जा रहा है, इतना मजा नहीं है दोस्त इधर। पानी नहीं है यहाँ पर, ये लो कर लो बात, पानी रहना चाहिए रिसोर्ट में, बट ये लोग ने पानी भी यहाँ पर, सर्विस यहाँ पर इतनी खास नहीं है, राइड्स वगैरह इतने मेंटेन नहीं है। और अब हम करने वाले हैं ये वाली राइड, ये बहुत ज़बरदस्त राइड है। Oh,
भाई बहुत ही खतरनाक वाली राइड में बैठे हुए अभी। बेकार लगी, ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी तो लगी, थोड़ी थोड़ी बेकार लगी, मुझे तो पूरी बेकार लगी। सब राइट में बैठे थे, किसी के फेस पे हंसी नहीं थी। मुझे लगा ना ऊपर नीचे होगा। हाँ बट कुछ नहीं, वो बस ऊपर घुमा के ऊपर चढ़ा के घुमा दिया। बहुत सारी चीकू के झाड़ यार इधर। चलो अब ये दूसरी, ये बहुत स्पीड में है, ये अगर आप इसमें बैठे तो कोई ना कोई तो गिरेगा, देख कोई ना कोई चक्कर खा के गिरेगा। अरे इधर इधर उधर, बहुत गंदा था, बहुत ज्यादा स्पीड, कोई खाना खाया होता ना तो सब बाहर। कितने जने तो उल्टी भी किया है। दोस्तों यहाँ पे है गो कार्टिंग, मैं जब बचपन में आया था तब मैंने एक बार किया था, बट अब ये पूरा खंडेर हो चुका है। ये देखो कुछ मेंटेन नहीं है फिलहाल, ये गो कार्टिंग यहाँ से बंद हो गई है। हमको करना था वैसे गो कार्टिंग, चलो कोई बात नहीं, वैसे गो कार्टिंग का एक्स्ट्रा चार्ज था। चलो अब हम UFO साइकिल, जो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी बहुत अच्छी है, वरना तो हमको यहाँ पर ज्यादा कोई खास कुछ पसंद नहीं आया। वाटर पार्क के अंदर गए थे, वो भी राइट एकदम मेंटेन में नहीं था, राइट चल ही नहीं रहे थे, उसमें बीच में अटक जा रहे थे, तो देखते हैं अभी और लाइन लगानी पड़ी है बस। Yeah. तो सबसे यूनिक राइड हम ट्राई कर रहे हैं। चलो भाई अपन आगे बढ़ो, सीट बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है अपने को। चीकू निकाल, चीकू निकाल। ये रहा ओपन एयर रेस्टोरेंट, और ये चार्जेस है मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। 270 का था, 280 हो गया, 10% GST है। चलो आ जाओ, ये फूड एरिया है, यहाँ से आपको कूपन लेना है, और खाने का इलाका सेक्शन वहाँ से लेके सेल्फ सर्विस है यहाँ पर। चलो पार्टी क्या खाएंगे? 780 का खाना कोई खाता है क्या? हम गरीब इंसान क्या करेंगे, बड़ा पाव भी नहीं है। 780 का ये लोग ने कागज दिया। यह कैसे कैसे दिन आ गए हमारे, खटिया ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है यहाँ पर। अभी सब खाना खाने के बाद आराम फरमा रहे हैं, और हमको काफी मुश्किल से ये दो मिले हैं। चलो बढ़िया पार्टी आ जाओ। ये है चीकू का झाड़ और हम नीचे लेटे हुए हैं।
फाइनली हो चुका है टाइम इस वीडियो को एंड करने का और सारी राइड्स हमने कंप्लीट कर ली है, ऑलमोस्ट सारी राइड। अभी वैसे भी ये सब छोटी मोटी बाकी है वो हम नहीं करने वाले क्योंकि बहुत इरिटेट हो गया अभी से सब राइड से। तो परवेश का क्या कहना है चीनीवाड़ी के बारे में? राइड छोटी छोटी है, अगर बच्चों के साथ आ रहे हो फैमिली के साथ तो ठीक है, अगर बड़े साथ आ रहे हो राइड करने के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हो थ्रिल वगैरह मिलेगा तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी राइड है बच्चों के लिए है, बस बड़े लोग की नहीं है। Okay. और मेरे ख्याल से 950 रुपीज से बेटर आपको और भी मिल जाएगा। यस, जैसे कि अगर आप इमेजिका जाते हो तो वेनेसडे को तो वहाँ पे 800 का प्लस GST वगैरह यानी वही 1000 रुपीज के आसपास आपको मिल जाता है टिकट। तो मेरे ख्याल से इमेजिका बेटर है अगर आप टिकट कंपेयर करो तो। राइट, इमेजिका में हाँ अलग है थीम और वाटर अलग है बट जो भी है बहुत जबरदस्त है वहाँ पर। 10 में से इसको रेटिंग देना चाहे? 10 में से मैं 4 देना चाहूंगा। 4 बराबर, क्योंकि राइड मेंटेन नहीं है सब। और ठीक है, वाटर पार्क की मतलब 1-2 राइड ठीक है, बाकी सब मेंटेन ही नहीं है। यानी अगर आप बिना टी शर्ट के आते तो पूरा फिट आपका छिल जाएगा, ऐसी ऐसी हालत हो गई है। बराबर, और अम्यूजमेंट पार्क की भी यही हाल है, मेंटेन बराबर नहीं है। बराबर, हालांकि टीकू चीनीवाड़ी में जगह बहुत बड़ी है, लाइक यहाँ पर ट्रीज वगैरह बहुत अच्छे खासे है, लाइक अपन नीचे फैमिली बैठ के आराम वगैरह कर सकते हैं। झूले भी वो इतना कुछ खास मजा नहीं आया, ठीक ठाक है। हाँ, लाइक अगर छोटे बच्चों लेके एक पिकनिक वगैरह हो तो ठीक है, बाकी अपने लिए वैसे ही नहीं जम रहे। तो चलो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय, सी यू अगेन।